स्वागत है आपका एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा होगा जून तो अब आ ही गया है और जून जुलाई मेनली इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स इन लोगों का आईटीआर फाइलिंग पीरियड रहता है। आईटीआर आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, आईटीआर बहुत ज़्यादा आती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन आप देखते होंगे जब आपके यहाँ स्टाफ है ना जो आपके लिए काम कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मान लीजिए आपने अगर डॉक्यूमेंट्स मंगवा दिए तब भी वो क्लाइंट को फ़ोन करता है, सर ये डॉक्यूमेंट रह गया। क्लाइंट बोलता है ऐसा डॉक्यूमेंट तो मुझे आपने बताया ही नहीं था, फिर वो फोर्स करके मंगवाता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्लाइंट नाराज़ होता है। तो उसके लिए हमें नहीं लगता कि हमें पहले जान लेना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्टली ज़रूरत है, कौन सी आईटीआर एग्जैक्टली फाइल करनी चाहिए। हमें अपने स्टाफ को ये सिखा देना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ये सिखा देना चाहिए कि कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब मेरा एम्प्लॉय मेरे से बार बार आगे पूछता है, सर क्लाइंट ए में आईटीआर 4 जानी है, क्लाइंट बी में आईटीआर 3 जानी है। फिर मैं उसे पूछता हूँ कि इसका क्या नेचर ऑफ बिजनेस था, इसकी कितनी इनकम थी, फिर मैं उसको वापस बताता हूँ कि इसकी आईटीआर 3 जानी है। अगर आपने क्लाइंट को अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दिया, अगर आपने उनको ये बता दिया कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये तो एक मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। तो आज इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ मिले हैं कपिल जैन सर, जो हमें बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आईटीआर फाइलिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो हमें क्लाइंट को बोलने चाहिए कि आप दे दो, या हम अपने एम्प्लॉयज़ को बता सके कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको हमें हमारे ऑफिस में भिजवा देने हैं, मेल करवा देने हैं, और आप कौन सी आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो सर आज हमें बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की और कौन कौन सी आईटीआर की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आईटीआर फाइलिंग। देखो पारस, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊँगा, जो भी आपका स्टाफ, जो भी आपका टीम मेंबर आईटीआर फाइलिंग में लगा हुआ है, ठीक है, या जो लगने वाला है, तो पहले ना एक बार उसे एनालाइज करो कि वो लास्ट ईयर आपके पास था या नहीं था। हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में जिससे आप आईटीआर का काम करा रहे हो, ठीक है, वो हो सकता है लास्ट ईयर था हो ही ना, उसे पता ही नहीं है कौन कौन सा क्लाइंट है कौन कौन सा नहीं। तो कोशिश ये करो कि जो स्टाफ लास्ट ईयर आईटीआर फाइलिंग के काम में था करंट ईयर भी उसे ही लगाओ, ठीक है, पहली चीज़ तो ये रखो। दूसरी चीज, आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराओ, चाहे 2 घंटे की ट्रेनिंग कराओ, चाहे 4 घंटे की ट्रेनिंग कराओ, चाहे आप उसे खुद ट्रेनिंग दो। जो आपने बात कही बिल्कुल सही बोली कि सबसे पहले उसे एक क्लास ये दे दो कि भाई आईटीआर फॉर्म किस किस में कौन कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये 2 घंटे में वो व्यक्ति सीख जाएगा। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि किस में कौन कौन सा फॉर्म लगेगा। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपको फ्लायर देख रहे होंगे, आप इस तरह के कई फ्लायर बना लो, ठीक है, या हमसे बनवा लो, हम बनाकर दे देते हैं। उसमें कि भाई अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उसकी लिस्ट बना लो। क्योंकि ये सारे काम आप जुलाई में नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास 500 आईटीआर है, 400 आईटीआर है, 300 आईटीआर है, ये जुलाई में नहीं कर पाओगे, ये काम आपको जून में ही करने पड़ेंगे। और ये या तो ये फ्लायर अपने स्टेटस पे लगा लो, अपने क्लाइंटों को भेज दो, या इनकी एक मेल ड्राफ्ट करा लो। तो ये फ्लायर कहाँ से मिलेंगे अपने को? आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको बनाकर दे देगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, हमारी टीम आपको बनाकर दे देती है। हमने आईटीआर 1 का बना दिया है, हम आईटीआर 2 का, आईटीआर 3 का, इस तरह के फ्लायर की सर्विस हम देते हैं, हम उसमें आपको बनाकर दे देंगे। अब इसके अलावा आप एक चीज़ और समझो, 31 मई चली गई डेट, लगभग लोगों ने TDS की रिटर्न ने फाइल कर दी होगी, 2-4 दिन में TDS का डेटा आ जाएगा। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है, जो आपने कहा कि 2-4 दिन में हमारा AIS 26 AS TIS अपडेट हो जाएगा, जी जी, तो तब भी प्रैक्टिकली देखा गया है, पिछले साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बात को शेयर कर रहा हूँ और आपसे इस बारे में समझना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहते हैं कि ये अपडेट नहीं हो पाता है पूरा। और सर इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपकी TDS की रिटर्न में कुछ गलत चला गया जी, और आपकी TDS की रिटर्न आप रिवाइज करोगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ITR भी फाइल करनी है जी, तो फिर आप उस सिचुएशन में कैसे फेस करेंगे AIS TIS को लेते हुए? तो पहले तो इस चीज को समझो कि जो AIS और TIS में डेटा आता है वो हमेशा सही नहीं आता,
वो गलत आ सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, छोटा सा एग्जांपल क्या है कि मेरे को रेंटल इनकम आती है 5 करोड़ की, तो अगर मेरे को रेंटल इनकम 5 करोड़ की आती है तो सामने वाला व्यक्ति मेरा TDS काट रहा होगा रेंट पर, ठीक है ना, 194i के अंदर। तो जब वो 194i के अंदर TDS काट के जमा करेगा, ये इन्फॉर्मेशन मेरी AIS TIS में आएगी। जब मेरे को 5 करोड़ का रेंट आता है तो मैं GST में अपनी 3B भी फाइल कर रहा हूँ, 1B फाइल कर रहा, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मेरे AIS TIS में आएगी। तो मेरा AIS TIS मेरी इनकम दिखा देगा 10 करोड़, क्योंकि वहाँ उसने डुप्लीकेट ही ले ली, एक ट्रांजेक्शन को दो बार ले लिया। तो हमारे को AIS TIS को देखना है, समझना है, लेकिन उसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना। उसमें से जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसे हटा देनी है। पर जो आपने डुप्लीकेसी वाली बात कही, वो उसने जो 194i के पर्पज से दिखाया है AIS ने, वो इनकम टैक्स पर्पज से दिखाया है, और 3B के हिसाब से जो दिखाया है वो GST पर्पज से दिखाया है। बिल्कुल। तो डुप्लीकेसी तो आई थिंक इसको नहीं, कई बार क्या होता है ना, वो दो बार दिखा रहा है ट्रांजेक्शन को, तो कई बार यहाँ पर स्टाफ हमारा ये गलती कर सकता है, ठीक है ना, उस ट्रांजेक्शन को दो बार दिखा। ये चीज है कि हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे ये गलती कर सकता है कि उसको वो डबल रिसीट्स कैलकुलेट कर ले। तो पहले ना इस तरह की बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती है, जैसे मान लो आपका, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी, उस पर TDS कटा, तो वहां पर कई बार जो वो वैल्यू दिखाता है वो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखा देता है, तो उसने वो सेल प्राइस, तो AIS TIS को लेना है, लेकिन साथ में करना क्या है कि उसे पूरी तरीके से नहीं मानना, आपको लगाना कि कुछ छूटा ना हो, उसके लिए यूज कर रहे हैं में यूज कर हाँ, तो AIS TIS में हो सकता है कुछ चीजें मिस हो, उससे हमें मैटर नहीं करना। अब आपने कहा सर TDS की रिटर्न रिवाइज होगी, भाई देखो जब आज आप 2 जून को 4 जून को अपनी ITR बनाने देखेंगे, और जब आप वहां पे TDS देखेंगे, तभी तो तुम्हें पता लगेगा गलत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब TDS कटता है जिस व्यक्ति का, वो बताता है गलती है, फिर वो कहता है भाई साहब तुमने गलत काट दिया, मेरा तो TDS आई नहीं रहा, फिर TDS रिटर्न रिवाइज होती है। और अगर आपने ये गलती बताई सामने वाले को 31 जुलाई को, जब वो व्यक्ति आप 31 जुलाई को गलती बताएगा, वो कहेगा हाँ भाई साहब करेंगे TDS की रिटर्न रिवाइज करेंगे, तब तक ITR आप रोक के तो बैठोगे नहीं। तो आप अगर उसे TDS को क्लेम कर लोगे और तब तक रिटर्न रिवाइज नहीं हुई, उसकी प्रोसेस नहीं हुआ, तो आपको नोटिस आएगा। अगर आप उस TDS को क्लेम नहीं करते हो तो उसे आपको नेक्स्ट ईयर क्लेम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जुलाई का जो पीरियड है, ठीक है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड है, जो लर्निंग का पीरियड है, जो चीज़ों को सीखने का पीरियड है, वो जून ही है। अब आप समझो कि जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं, अब वो वर्ल्ड कप में जाकर सोचे कि मैं सीख लूँ, ऐसा नहीं होता ना भाई, वहाँ तो खेलना है, तैयारी के साथ जा तो तैयारी तो यहाँ करो। इसीलिए तो हमने एक कोर्स निकाला है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का और ITR का। इस बार हमने रेगुलर कोर्स निकाल दिया 10 दिन का, कि भाई 10 दिन में ये कोर्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, आपको पूरी बैलेंस शीट की पूरी ITR की नॉलेज मिल जाएगी, जून जून में खत्म हो जाएगा, जुलाई में धुआंधार काम करना शुरू कर दो, ठीक है ना। और पूछो आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसमें। तो सर कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए कि जो है हमें बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट्स अपने क्लाइंट से डिमांड करने चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देखो क्लाइंट को पहले ये चीज़ क्लियर कर दो कि जितने डॉक्यूमेंट्स हम मांग रहे हैं इससे तुम्हारा फायदा होने वाला है। हमने वो वाला फ्लायर भी बना के भेज दिया है। अच्छा। कि जो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगता है इसका मतलब आप सेफ हैंड में हो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो आप चेक कर लो। कई बार क्या होता है तुम जुलाई में डॉक्यूमेंट मांगते हो उसे देखते ही नहीं। हाँ। तो क्लाइंट कहता देखता तो है नहीं यार। हाँ। तो पहले तो आप ये समझो कि अगर आप ITR 1 भर रहे हो तो भाई आपके पास जो TDS का फॉर्म होता है फॉर्म 16 वो होना चाहिए सैलरी बना के लिए। अगर आपका किसी बैंक वगैरह ने कोई TDS वगैरह काटा किसी और ने तो 16A भी हो। अब उसके बाद लेट सपोज करो आप HRA क्लेम उसमें कर रहे हो तो हाउस रेंट रिसिप्ट मांग लो उससे, रेंट एग्रीमेंट मांग लो उससे, ठीक है। पैन कार्ड, हालांकि वो कई बार पैन नंबर हमारे डेटा में, एक बार फिर भी पैन कार्ड मांग लो कि क्या पता नाम चेंज हो गया, ठीक है। कई बार होता है ना, पहले नाम था सुमन लता गुप्ता, शादी हो गई उसकी, सुमन जैन हो गई, ठीक है ना, तो उसका पैन कार्ड मांग लो उससे। बैंक स्टेटमेंट मांग लो उससे, बोल दो, क्योंकि अब बैंक स्टेटमेंट में कई बार क्या होगा, आप जुलाई में बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हो वो बैंक जा रहा है, हालांकि आजकल सारी ऑनलाइन निकल जाती है, पता चला उस पर पासवर्ड ही नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट जितने भी मेंटेन है वो सारे मांग लो। अगर उसकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो वो सारी डिटेल मांग लो, उसे बता दो कि भाई स्कूल फीस है, LIC है, मेडिक्लेम है, शेयर की डिटेल्स मांग लो। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उसकी ट्रांजेक्शन्स मांग लो। तो ITR 1 और 2 में ये चीज़ मांग लो, साथ में लिख दो
कि भाई अगर आपकी कोई मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, क्योंकि सेविंग अकाउंट अभी मांगोगे तभी आपको पता लगेगा, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई है, मेजर ट्रांजेक्शन हुई है तो वो मांग लो। तो ITR 102 के लिए तो यही है द बेस्ट। फिर अगर आप जाते हो ITR 3 पे, ITR 4 पे, आप उससे करंट अकाउंट मांग सकते हो पूरा, कि भाई पूरा करंट अकाउंट। अगर आपको लग रहा है कि उसकी अकाउंटिंग करानी चाहिए टैली बीजी में नहीं एक्सेल में ही करानी चाहिए, तो आप उसकी अकाउंटिंग करा लो, जिससे आपको पता लग जाए क्या है। जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है उसे हाईलाइट कर लो, उससे पूछ लो कि भाई वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस क्या है। तो ITR 4 में आपका यहाँ तक काम चल जाएगा। हाँ ठीक है। अगर उसके बाद आपकी ITR 3 है तो भाई आप उसकी बैलेंस शीट भी अभी से ड्राफ्ट कर लो, पोर्टल से सारे डेटा को मैच कर लो, अगर उस पर GST नंबर है तो, ठीक है ना, GST नंबर है तो उसकी सारी रिटर्न डाउनलोड कर लो, एनुअल रिटर्न अब आ गई है पूरी, तो उसमें वहाँ पर पूरा एनुअल मैच कर लो। तो ये वाले बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप एक बार मांग लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स ये कहता है मैं इसे तो मांगा ही नहीं। सर यहाँ पर एक जो है एक डाउट और क्रिएट होता है, हालांकि क्लाइंट के साइड से ये कमी है, लेकिन जैसे हमने बैंक स्टेटमेंट मांगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए क्लाइंट की तरफ से, बैंक स्टेटमेंट में जब हम ट्रांजेक्शन गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन पे हमारी क्वेरी है, क्योंकि अगर आप ITR ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्वेरी करते हैं राइट कि क्लाइंट से कि आपकी ये मेजर ट्रांजेक्शन या मेजर रिसीट कहाँ से आई है। तो सर अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन निकलती है जिसमें क्लाइंट को भी याद नहीं है कि वो ट्रांजेक्शन उसने कब करी, किसके साथ करी, क्यों करी, तो उन ट्रांजेक्शन के लिए जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस की ट्रांजेक्शन, सस्पेंस, तो वो उन ट्रांजेक्शन के लिए क्या करना चाहिए एक टैक्स प्रैक्टिशनर को? देखो मेन ना पहली चीज आप समझो, जो चीज जितनी पुरानी हो जाएगी वो चीज उतनी मतलब मेमोरी से दूर चली जाएगी। अगर आप अभी एक क्लाइंट से मार्च की ट्रांजेक्शन पूछोगे बता देगा, जुलाई में सितंबर में पूछोगे नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। तो कई बार तो हम लोग तो क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम कई बार बीच में भी स्टेटमेंट मंगा लेते हैं कि भाई आप दे दो, लेकिन अगर मान लो अब आपके पास आ गई तो जितनी जल्दी हो सके उतनी मंगा लो। और क्या करो, पीछे से पूछना शुरू करो क्लाइंट से, अप्रैल से मत पूछो, उसे पता ही नहीं होगा। हाँ, मार्च से पूछना शुरू करो, तो मार्च से पूछो, फिर एक ट्रेंड होता है किसी चीजों का, ठीक है। अगर मान लो अप्रैल की कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो पता नहीं चल रही, पिछले साल अप्रैल में भी देख सकते हो ऐसा क्या हुआ है, हो सकता है कोई ऐसा प्रीमियम जाता हो जो साल में एक ही बार जाता हो, तो आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, क्लाइंट से पूछ लो। और अगर आपको छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है नहीं पता लगी, तो उसका ट्रीटमेंट क्लाइंट से ही बोलो कि भाई आप तुम बताओ क्या करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई रिसिप्ट हो, रिसिप्ट साइड में आ रही और आपने उसे कंसीडर ना करा और कल को उस पर टैक्स देना पड़ जाए, तो रिसिप्ट को तो भाई देखो इनकम मानना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं पता, क्लाइंट्स को ना ये बता देना कि भाई देखो इनकम साइड में आ रही है ना, वो सब रिसिप्ट मान लूंगा, तो जब क्लाइंट को लगेगा ना टैक्स ज्यादा लग रहा है वो कहेगा नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना कहाँ से, मैं बताता हूँ कहाँ से कम करवाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी होती हैं जो लोन्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसको इनकम में कंसीडरेशन नहीं दिया जाता, तो क्रेडिट साइड को तो मैं तो इनकम बोल देता हूं, मैंने कहा नहीं पता चला इसे इनकम पे भी हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। तो हम एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम इन चीजों पर बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब आप देखते होंगे रिटर्न्स तो लोग बहुत ज्यादा फाइल करते हैं, 10 मिनट में रिटर्न फाइल करके काम खत्म कर दिया, लेकिन एक अच्छा टैक्स प्रैक्टिशनर जो आप है, आप तभी है जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, प्रॉपर ITR फाइलिंग कर रहे हो, प्रॉपर क्वेरीज कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, ताकि फ्यूचर में नोटिस ना आए या आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। तो ये चीजों को आपको ITR फाइल करते वक्त ध्यान रखना है। और बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट या आपको कोई भी ऐसा फ्लायर जो चाहिए जो आप अपनी DP में स्टेटस पे लगाना चाहते हैं, तो वो आप इसके सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कपिल सर आज के इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि बहुत ज्यादा नॉलेज अपने को मिली है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अपने को प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या सीक्वेंस होता है उसका प्रिपरेशन का, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो लास्ट 10 डेज में तैयारी करते हैं, लेकिन जब हम 2 महीने से तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होगी और हम उस चीज का रिजल्ट निकाल पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा काम भी कर पाएंगे और क्वालिटी वर्क कर पाएंगे। 10 दिनों का कोर्स है और 2-2 घंटे का, 20 घंटे का कोर्स है, जिसमें हमें बहुत कुछ जो है इसमें भी जानकारी मिलने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ये वाला कोर्स, तो मतलब इवन मैं भी ज्वाइन करूंगा ये वाला कोर्स, तो जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा आज का जो है कपिल सर ने जो आज हमें ये सब बताया। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद और कपिल सर आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू जी।